इसराइल ने कहा है कि हिजबुल्ला ने आज पांचवी बार एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया है। गाजा पर चल रहे इसराइल की बमबारी के बीच अचानक युद्ध का एपिसेंटर लेबनान की तरफ मुड़ चुका है। अगले 24 घंटे में हालात इतने खतरनाक होने जा रहे हैं कि अमेरिका से लेकर रूस तक इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हिजबुल्ला ने अब ऐसे हमले करने शुरू कर दिए हैं जिसका ऑर्डर सीधा तेहरान से आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्द है। घर में बैठी बरतानशीन इज़्ज़त दारमा और बहनों को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्द है। बल्कि बरहा अल्लाह समीद आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मामलिनचरों की मामलिनचरों से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर्त है आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है, देश के बाहर के हालात से भी वाकिफ़ है। लेकिन हम मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी ख़बर तो हमारा मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन है, जो इंशाल्लाह फ़लस्तीन की आज़ादी के साथ, मस्जिद अक्सा की आज़ादी के साथ, इसराइल की तबाही व बर्बादी के साथ ही ख़त्म होगी इंशाल्लाह। बहरकैफ़ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये देखा आप 32 सेकंड का, इसमें किस तरीके से हिज़्बुल्लाह ने जो बमबारी अपनी कंटिन्यू रखी हुई है, जो जारी रखी हुई है, टोटल इसके कुछ 27 हमले हुए हैं अभी मगरिब के बाद, वहाँ की मगरिब के बाद तकरीबन 27 हमले हुए हैं। इससे पूरा इसराइल गूंज उठा है, पूरा इसराइल आग बगोला हो चुका है, कहीं पे भी सिवाय धुएं के अलावा आसमान नज़र नहीं आ रहा उसको। और ये चीज़ तो होनी ही थी, कब तक बोल के खामोश बैठते मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, इतने टाइम से इतनी जानें शहीद हो रही है, और अब जो जवाब ये लोग हिज़्बुल्लाह और जिस तरीके से हमास ने दिया है, माशाल्लाह काबिल दीद, काबिल तारीफ, काबिल लश्कर, काबिल फ़ख्र है। अभी तो पीछे तो ये लोग भी है, अफगानी बंदे भी जाते हो रहे, तालिबान वाले खाली रास्ता दो हमारे को, हम पैदल जाके सफाया कर देते हो रहे। और यहीं बॉर्डरों पे आप लेबनान ले लो, सीरिया ले लो, वहाँ की आवाम पैदल जाके अपने भाइयों को और मासूम बच्चों को बचाने के लिए, इन लोगों की जान लेने के लिए तैयार है। इतने मुजाहरे कर रहे हैं वो लोग कि किसी तरीके से इजाज़त दी जाए और वो लोग बॉर्डर क्रॉस करें, सारे बॉर्डरों पे, वहीं की लेबनान की फ़ौज या सीरिया की फ़ौज उनको वापस ढकेल रही है, समझा रही है किसी तरीके से, हम हैं, हम देख रहे हैं, आप लोग उधर मत जाइए, क्योंकि वो कंटिन्यू इसराइल वहाँ से भी वो लोगों के ऊपर भी अपने मिसाइल्स वगैरह मार रहा है इसलिए। लेकिन पलटा के जवाब ये लोग दे रहे हैं, लेकिन पब्लिक का जज्बा देखिए आप, पब्लिक में जो जोश हो वो देखिए आप। अल्लाह सुबहाना ताला ऐसे ही ईमान को मजबूत रखे भाई, और सारे हम मुसलमानों को एक कर दे अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त। अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त हमारे इख्तलाफात को दूर फरमाए, हमारे इन रंजिशों को दूर फरमाए, और हमको हक़ पे और सच पे चलने की तौफीक अता फरमाए, और इस फ़लस्तीन की आवाम की हिफाजत फरमाए, और जितने लोग जो मदद कर रहे हैं फ़लस्तीन की, अल्लाह उनको अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अब तो जो है सो पुंगी पूछे फूके जा रही इसकी, इसराइल की, सही मानों में इसको अभी तक बोल रहे थे जब समझ में नहीं आया इसको, अब फूट रही है तो बढ़ रही है, अब चिल्ला उठ रहा है, अब काँप उठ रहा है, अब थर थरा रहा है, अब उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ अब एक ही लाख लगे हुआ है कि किसी तरीके से ये चीज़ ख़त्म की जाए, लेकिन अब ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि ये नस्ल हराम का कोई भरोसा नहीं है, इस पापी, इस दरिंदे, इस आतंकी का कोई भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा अपनी हर बात से मुकरता है वो, हमेशा झूठ के अलावा इसके पास दूर दूर तक
सच्चाई तो है नहीं, अगर जैसे सच्चाई रहती तो नाजायज कब्जा फलस्तीन पे नहीं करता, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। और जो हशर किया था हिटलर इनका, ये जड़ से ही पूर्व को खत्म कर देता वो बेहतर था। अब तो यही समझ में आ रहा। उसके बाद था दूसरा मर्द, मालूम है आप लोगों को, मरहम सद्दाम हुसैन जो इराक के जो प्रेसिडेंट थे, माशाल्लाह वो भी एक रज्जाल थे। उसके रहते हुए भी इसकी कभी भी ऐसी हरकत नहीं होती थी कि कोई फलस्तीनियों के ऊपर इतना जुल्म हो। लेकिन चलो इंशाल्लाह देर से आए दुरुस्त आए, अल्लाह सुबहाना ताला जिससे जो काम लेना है वो ले लेते हैं। इसलिए आप लोग नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो और कंटिन्यू दुआएं करते रहो फ़लस्तीन के लिए और फ़लस्तीन की कामयाबी के लिए। और इस कमबख्त को, इस दिमागी कीड़े को, इस गटरी जानवर को, इस दरिंदे को, इस पाखंडी को, इस आतंकी को, इसराइल को बदवाएं देते रहो ताकि वो नस्ते नाबूद हो जाए, ज़मीन से उसका नाम ख़त्म हो जाए, तारीख से मिट जाए उसका नाम। इस तरीके से बदवाएं दो उस पापी को। बहर के जो चल रहा है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाई, 32 सेकंड का जो था उसके अंदर तो आपने देखा है जिस तरीके से इसको रोंदा जा रहा है, इसके औकात दिखाई जा रही है, इसकी हैसियत दिखाई जा रही है, ये सारे चीज़ें तो इंशाल्लाह होते रहेंगे मुसलसल। जब तक इसका सफाया नहीं होगा, इसकी औकात नहीं दिखाई जाएगी, इस पापी को कंटिन्यू मार रहे हैं भैया भी, चाहे लेबनान से हो, चाहे सीरिया से हो, चाहे यमन से हो, चाहे हजबल इन्हें हमास हो, चाहे हजबुल्ला के मुजाहिदीन हो, ये लोग कंटिन्यू अब रुक रहे नहीं। अब कोई स्टॉप करने का या कुछ समझाने का या बोलने का डायलॉगबाजी का टाइम ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ खपा खप चल रहा, वो भी इतना अंदर तक दे रहे हैं, लेने से कराओ ने फट जा रही बुरी, चीख रहा चिल्ला रहा। ये ज़रूरी था इसको दिखाना, अब इसको ये चीज़ का एहसास भी होगा, मालूम भी होगा। इसलिए अब खाली वहाँ पे एक ही बकवा चल रहा, जहाँ पे भी ये इसराइलियाँ पूरे जो है सो आ जाओ, उन्हें तो पकड़ के मारते हैं लोग बोल के, और सारे अपने सिफारत खाने उठा लिया, उन्हें सारे बंद कर दिए, वाह सारी दुनिया से बेआबरू हो गया है, सारी दुनिया से इज्जत को गंवा लिया इसने, सारी दुनिया से ख़त्म हो गया है, इन्हें मिट गया है, इन्हें ये तो होना ही था, लेकिन बहुत देर से हुआ, लेकिन जो हुआ जब हुआ बहुत अच्छा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहरल कैफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये बहुत बड़ी जीत है, हम मुसलमानों की जीत है, मस्जिद अक्सा की जीत है, फ़लस्तीनी शहीदों की जीत, जो जाने गए हैं, जो शहीद हुए हैं, आज उनकी रूहानी भी खुश हुई हो रही होगी, जो हालात जो किए हैं इसराइल के लिए, जो ज़मीन छोटी कर दी है उसको, इतना जो घुस के मार रहे हैं उसको, इसकी औकात उसको दिखाई जा रही है, जो कि हम मुसलमानों के लिए एक फ़ख्र की बात है ये, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बहरहाल आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये गोदी मीडिया नस्ल हराम है, टट्टी खाने से फुर्सत नहीं है इसको, खाली धोने से फुर्सत नहीं है इसको, धुलाने से फुर्सत नहीं है, यही काम आ करता रहता, और इसको बड़े छुपते हुए मुसलमान और इस्लाम, तो इसलिए सच्चाई दिखाते नहीं इन्हों, लेकिन इन्हों नहीं दिखाने से कुछ नहीं होता, आपका भैया बराबर दिखाता है इंशाल्लाह। बहरकैफ मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपने सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के काम पर अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।